रब्बे कौनैन मेरी भी फरियाद सुन। आंसुओं और आहों की रुदाद सुन। रब्बे कौनैन मेरी भी फरियाद सुन। इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال طوبى للشام قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ذاك ولم ذاك قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها मुस्नद अहमद व इब्न हब्बान व मुस्तदरक व सहाहुल अल्बानी रहमहुल्लाह। हर किस्म की तारीफ तौसीफ बड़ाई किबरियाई पाकिजगी बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए सजावार और जेबा है, जो सारी कायनात का मालिक राजिक हाकिम और माबूद बरहक है। लाकहा दरूद व सलाम हो नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन दीन इस्लाम हम और आप तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मासूम बच्चों, पर्दानशीन मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह इसरा की 15वें पारे की पहली आयत करीमा की तिलावत की और नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान मैंने आपके सामने पेश किया। आज के खुतबे जुमा के इस मुख्तसर से वक्त में सूरह इसरा की इस आयत और दिगर अहादीस सहीहा की रोशनी में जिस उनवान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, उसका उनवान है मुल्क के शाम जल रहा है। हजरात, यह उनवान हमारे ईमान से भी ताल्लुक रखता है, शरीयत एतबार से भी इसका ताल्लुक है और हालात हाजिरा से भी इसका ताल्लुक है। हम में से हर वो आदमी जिसकी निगाह जिसकी नजर मीडिया पर है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो
या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल वेबसाइट हो, जिस किसी की भी निगाह इन चीजों पर पड़ रही है और देख रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त हालात किस कदर नाजुक से नाजुक तरीन होते जा रहे हैं। खुसूसियत के साथ मैं आपके सामने जिस उन्वान को लेकर हाजिर हुआ हूं वो है मुल्क शाम। हजरात, मुल्क शाम आज से तकरीबन 90 साल या 100 साल पहले कि अगर तारीख हम और आप देखते हैं तो 1920 से पहले का जो मुल्क शाम है, जिसके अहादीस के अंदर और कुरान करीम के अंदर बड़ी फजीलतें वारिद हुई हैं, उस शाम का ताल्लुक चार ममालिक से होता है, लबनान, फलस्तीन, उर्दून और आज का मौजूदा शाम जिसको सूर्या कहते हैं, सीरिया कहते हैं। इन चारों ममालिक को मिलाकर लफ्ज शाम कहा जाता है, जिसका तस्किरा हमें और हमें अहादीस में मिलता है। कबल इसके कि मैं आपके सामने मैदा सरजमीन शाम की फजीलतों का तस्किरा करूं, चंद बातें आज आपके सामने सरसरी तौर पर पेश करना जरूरी समझता हूं। हजरात, इस वक्त आलमी सतह पर मुस्लिम ममालिक के अंदर या गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर जहां मुसलमानों की अकलियत पाई जाती है, या फिर वो ममालिक जहां मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते हैं, इन दोनों ममालिक के अंदर, इन दोनों ममालिक के ऊपर भी गैर मुस्लिमीन यानी यहूदियत की निगाहें बहुत बुरी तरह जमी हुई हैं। अगर हम जमाने करीब में, माजी के करीब का अगर मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि चंद सालों से यहूदियत और नसरानियत ने मुस्लिम ममालिक का खात्मा करने के लिए या मुस्लिम अक्सरियत का खात्मा करने के लिए यहूदियत ने उन तमाम हरबों का इस्तेमाल किया, उन तमाम मंसूबों को रूबा अमल लाने की नापाक कोशिशें की जिसके जरिए मुसलमानों को हलाक और बर्बाद किया जा सकता है। हजरात, आप 10-12 साल की तारीख के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को घुमाइए और अपने जहन के अंदर वो तस्वुरात, उन तमाम तस्वुरात को लेकर आइए जो 10-12 साल के अंदर हुए हैं। चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो इराक का मामला हो, बगदाद का मामला हो, कुफा या बसरा का मामला हो, या फिर फलस्तीन का मामला हो, लबनान का मामला हो, या फिर उर्दून का मामला हो, या मिस्र का मामला हो, या फिर आज मौजूदा हालात में लगभग 3 से 4 साल से नंगा नाच जिस मुल्क के अंदर किया जा रहा है, जहां खून की होली खेली जा रही है, जहां के वतनियों को जिंदा जलाया जा रहा है, जहां के बच्चों का खून और खराबा पानी से भी कम कीमत में फरोख्त किया जा रहा है या बहाया जा रहा है, वो है मुल्क शाम। हजरात, इन तमाम वाकियात के पीछे या इसके पसे मंजर के ऊपर हम और आप गौर करते हैं तो हमें चंद बातें मालूम होती हैं। वो ये कि यहूदियत चाहती है कि यहूदियत का मकसद और यूरोपीय ममालिक का मकसद यह है कि मुसलमान और इस्लाम दब कर रह जाए, मुसलमान और इस्लाम दब कर रह जाए, जबकि कुरान करीम ने इस बात की गवाही दी कि इस्लाम सारे अधियान के ऊपर गालिब होने के लिए आया हुआ है, इस्लाम सारे अधियान के ऊपर गालिब होने के लिए आया है। यह इस्लाम न दबने वाला है, न दबाने की इसके अंदर सलाहियत है, बल्कि इस्लाम के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी लचक रखी है कि जितना इसको दबाने की कोशिश की जाएगी ये इतना ही उभर कर आएगा, ये इतना ही उभर कर आएगा। कुरान करीम ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि सारे अधियान के ऊपर ये दीन, दीने इस्लाम गलबा हासिल कर रहेगा। और नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस जिसको हम बारहा सुन और सुना चुके हैं, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्लाम हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होकर रहेगा,
हर कच्चे और पक्के मकान में इस्लाम दाखिल होकर रहेगा। लेकिन यहूदियत के काबू ख्याल ये है और नसरानियत चाहती यही है कि इस्लाम का गलबा ना हो, अहले इस्लाम फैले ना, मुसलमान ना फैले, इसलिए हर तरफ एक खौफ, एक हिरासत और एक डर का माहौल पैदा करके रखने का एक वतीरा इन्होंने अपना रखा है। हजरत, इस वक्त मैं आपके सामने सारे ममालिक का तस्किरा या तफसरा नहीं करूंगा, बल्कि मुल्क शाम की जो फजीलत आई हुई है उसके ताल्लुक से दो चंद बातों के साथ साथ इस वक्त जहां इस वक्त वहां के जो मौजूदा हालात है उसका तस्किरा मुख्तसर अंदाज में करूंगा। हजरत, जैसा कि इब्तिदा में मैंने कहा, अहादीस रसूल अलैहिस्सलाम में जहां जहां मुल्क शाम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज शाम चार ममालिक चार कंट्रियों पर मुश्तमिल है, लबनान, उर्दून, फलस्तीन और फिर इसका इस वक्त का मौजूदा सीरिया यानी शाम। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन के ऊपर बड़ी ही खैर और बरकतें नाजिल फरमाया है। जैसा कि मैंने अपने कुदरे की इब्तिदा सूरे मेरा सूरे इसरा की आयात से आयत करीमा से शुरू की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुभान अल्लज़ी, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसने अल्लाह जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करवाया और वो मस्जिद अक्सा जिसके अतराफ अकनाफ में खैर बरकत के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर बरकत नाजिल फरमाया है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जिसने अपने बंदे को लैलनल मस्जिद हराम एक ही रात के अंदर रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर किया करवाया। हजरत, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह इसरा की इस पहली आयत करीमा के अंदर जहां अपने बंदे के लफ्ज से ताबीर किया वहीं पर सरजमीन शाम की फजीलत का जिक्र करते हुए कहा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, बारकना हौलहु, सरजमीन शाम के अतराफ व अकनाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर व बरकत का मामला फरमाया हुआ है। यही वो शाम है, यही वो सरजमीन है जहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को अपने पास यानी मेराज को बुलाया था। ये मेराज के सफर का नुक्ते आगाज है। यही वो शाम की सरजमीन है जहां रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए मस्जिद अक्सा के अंदर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत, यही वो सरजमीन है जहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि तुम अपने लफ्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जंगलों बयाबान काबतुल्लाह की सरजमीन के ऊपर छोड़ने का हुक्म दिया था। यही वो शाम की सरजमीन है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से पैदा होने वाले तकरीबन अंबिया अलैहिस्सलाम यहां नबी बनाकर भेजे गए और यहां मस्जिद अक्सा का वजूद अमल में लाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद, हजरत जकरिया, हजरत ईसा, हजरत ईसा, हजरत और मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम यहां पैदा हुए और यहां नबूवत का काम अंजाम दिया और इन तमाम और तकरीबन अंबिया अलैहिस्सलाम की इस सरजमीन मक्फन बनी हुई है। यहां तकरीबन अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। हजरत, ये मुल्क शाम मेरे और आपके ईमान से ताल्लुक रखने वाली सरजमीन है, यह उम्मत मुस्लिमा की शान है, यह हमारे अकीदे के अंदर शुमार, यह हमारे अकीदे के अंदर आने वाली सरजमीन का ताल्लुक है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि मुल्क शाम के जो मौजूदा हालात है उसका गहराई के साथ गहराई के साथ जायजा लेना चाहिए और उसका तजिया करते हुए अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचने की जरूरत है। हजरत, यही वो सरजमीन है जहां के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर तीन मसाजिद ऐसी हैं
जहां के सफर को आप अलैहिस्सलाम ने बाईस अजर सवाब के लिए सफर करना जायज करार दिया। इन तीनों मसाजिद में मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा है, और जिन तीनों मसाजिद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने एक रकात नमाज पढ़ने के अजर सवाब को बढ़ा चढ़ा कर पेश फरमाया, उनमें से मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी के बाद अगर किसी मस्जिद का नाम आता है तो मस्जिद अक्सा का नाम आता है। हजरत, मस्जिद अक्सा में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसे 250 रकात की नमाजों का सवाब मिलता है। हजरत, 1920 से पहले यह मुल्क के शाम की सरजमीन मिली हुई थी। जब आलमी जंग छिड़ी तो आलमी जंग के अंदर मुख्तलिफ यूरोपी ममालिकों ने अपनी कारास्तानियों के जरिए और अपने प्लानिंग के जरिए मुल्क के शाम को टुकड़ों में बांट कर रख दिया, मुल्क के शाम को टुकड़ों में बांट कर रख दिया, और हर टुकड़े के ऊपर अपने नापाक अजाइम को कायम रहा और दायम रखने के लिए नाकाम कोशिशें किया और करता रहा है और कर रहा है। हजरत, एक जानिब मस्जिद अक्सा जिस एरिया में पाया जाता है उसको फलस्तीन कहा जाता है, तो फलस्तीन के बाजू में नाजायज कब्जा करते हुए नाजायज हरामियों को इसराइल को लाकर बिठा दिया, और मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जे का नाकाम ख्वाब देख रहे हैं, और मस्जिद अक्सा के अतराफ अकना और मुख्तलिफ जो शरीय एतबार से अहमियत रखने वाली सरजमीन है वहां के मकामात मुकद्दसा के ऊपर नाजायज कब्जा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, और इसराइल जो खुद नाजायज तरीके से वहां हाजिर है लेकिन आज तक फलस्तीनियों का जीना हराम करके रखा है। मस्जिद अक्सा जो क़िबले अव्वल कहलाता है, जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल है, जो मुसलमानों के लिए शरीय एतबार से बड़ी अहमियत रखने वाली चीज है, जहां की एक नमाज 250 रकातों की नमाजों के बराबर अजर सवाब मिलने वाला है, जहां सफर को जायज करार दिया गया, जहां जिस सरजमीन के ऊपर कई अंबिया अलैहिस्सलाम दफन किए गए हैं, उस मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों के दाखिले के लिए बड़ी ही तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। और फिर यहूदियत और नसरानियत और अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने जहां फलस्तीन को फलस्तीनियों का हक देने के बजाय इसराइल को लाकर वहां बसाने के बाद अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर इसराइल का तो नाम मनवाया गया लेकिन फलस्तीन को आज तक भी मनवाया नहीं गया। फलस्तीन जहां रोजाना खून और खराबा के हजारों वाकियात पेश आते हैं, वो फलस्तीन जहां का माहौल अगर देखते पढ़ते सुनते हैं तो आंख से आंसू जारी हो जाते हैं और जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुर्बान जाए वहां की हमारी माओं के ऊपर, जहां का जिसके कोख से पैदा होने वाला हर बच्चा मस्जिद अक्सा के खातिर अपनी जान को हथेली पर लेकर खेलता है, जहां तोप का मुकाबला पत्थर से किया जाता है, जहां बंदूक का मुकाबला ईंट से किया जाता है, जहां फौज का मुकाबला बच्चों से किया जाता है, लेकिन सालों साल से ये खून की नदियां बह रही है, लेकिन हमारी माएं आज भी सलाहुद्दीन अय्यूब जैसे नौजनिहालों को पैदा कर रही है और तोप का मुकाबला पत्थरों से करने का उनके अंदर वो बहादुरी, वो शुजात, वो हौसला, वो ताकत और कुव्वत पैदा हो रही है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत, मस्जिद अक्सा की आजादी, ये सिर्फ फलस्तीनियों का हक नहीं, ये सिर्फ फलस्तीन में पैदा होने वाले नौजवानों का हक नहीं, वहां के मुसलमानों का सिर्फ मामला नहीं, बल्कि सारे आलम इस्लाम के और सारी दुनिया के रहने वाले मुसलमानों का फरीजा बनता है कि वो मस्जिद अक्सा की आजादी के खातिर जद्दोजहद करे, मेहनत करे, और फिर उसके हासिल के लिए जो कुछ हिकमतें हो सकती हैं उसको अपनाए, यह हर मुसलमान का फरीजा बनता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया था, फिर उसके बाद होते होते आज इसराइल के कब्जे में है, फिर मस्जिद अक्सा पुकार रही है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम में जो पैदा हो और फिर मुझे आजाद करे। मेरे भाइयों, एक जानिब मस्जिद अक्सा का मामला यह है तो दूसरी जानिब आइए इस वक्त का मौजूदा शाम जिसको सीरिया कहा जाता है, मौजूदा शाम के अंदर लगभग 3 से 4 साल का एक तवील वक्फा गुजर चुका है
जहां के लाखों मुसलमानों का खून और खराबा किया गया, जहां रोजाना हजारों मासूम बच्चों के खून की होली खेली जाती है। हजरात, सोशल मीडिया पर जब आप वीडियोस देखते हैं या फिर उनकी तस्वीर देखते हैं तो आपका दिल कांप उठता है, इंसानियत का दिल कांप उठता है। लेकिन पता नहीं ये अख्वाम मुत्तहिदा जो अपने आप को अमन आलम का नारा बुलंद करने वाली, इंसानियत का नाम लेने वाली जितनी कमेटियां हैं सारी दुनिया के अंदर, उन सारों का दिमाग कहां गायब हो चुका है और उन सारों की आंखों में क्या हुआ, क्या वो मनाजिर देखने को नहीं मिल रहे हैं जो मनाजिर इंसानियत का एक आम आदमी देख रहा है, बच्चा बच्चा देख रहा है और हर कोई जान रहा है और हर कोई अफसोस कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि अख्वाम मुत्तहिदा जो सारी दुनिया के अमन आलम का नारा बुलंद करने वाली है, इंसानियत के हकूक का नाम लेकर ढनोरा पीटने वाली ये कमेटियां, इंसानियत का नाम लेकर, इंसानियत का आजादी का नाम लेकर जीने वाली ये कमेटियां, क्या आज उसे मुल्क शाम नजर नहीं आता है जहां मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, जहां मासूम बच्चों के सरों के ऊपर जब गोली मारी जाती है तो उनकी खोपड़ी अलग होते हुए नजर आती है, कहीं बच्चा मलबे के अंदर दबा हुआ नजर आ रहा है, कहीं बच्चा जमीन के अंदर धंसते हुए नजर आ रहा है, कहीं बच्चा समंदरों के अंदर, कहीं बच्चों को समंदरों के अंदर अपनी माएं अपने हाथों से फेंकने पर मजबूर है, कितनी कवातीन की इज्जत वहां नीलाम होती हुई नजर आती है। जालिम फौजी बशार ने, जिसका बाप भी जालिम था और जिसकी औलाद भी जालिम है, फिरौनियत का लंगा नाच नाच रहा है। ये जालिम बशार अल असद जो हाफिज बशार के नाम से जाना जाता है, जो मुल्क शाम का बादशाह, जो मुल्क शाम का बादशाह अपने आप को कहलाता है, जिसने कुरान के अंदर तब्दीली की, जिसने कुरान की वो तालीमात को खत्म दिया, जिसके अंदर वहदानियत थी, जिसने फिर से रब्बुकुम अला का नारा बुलंद करते हुए मौजूदा दौर का फिरौन बनने पर वो अपने आप को तुला हुआ है और कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई रब नहीं है। लिहाजा उसके मानने वाले, उसके फौजी जालिमों ने, जाबिरों ने वहां की माओ और बहनों की इज्जत के साथ ऐसा उनकी इज्जतों का ऐसा नीलाम किया है कि बंद कमरों के अलावा सड़क के ऊपर, रास्तों के ऊपर इज्जतों को नीलाम कर रहा है, इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, नौजवानों का खून बहाया जा रहा है, पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मां के सामने बाप को मारा जा रहा है, बाप के सामने बेटे को मारा जा रहा है, मां की गोद में बच्चे की गर्दन उड़ाई जा रही है। मेरे भाइयों, क्या हमारा ईमान इस कदर कमजोर है, इस कदर कमजोर है कि यह हालात को देखने के बावजूद हमारा ईमान इस बात पर गवारा नहीं कर रहा है कि इनके हक में कम से कम दुआए खैर करे, इनकी मदद के लिए रब के दरबार में दस्त बदुआ हो। क्या हमारा ईमान इस बात की, हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि नमाजों के बाद या नमाज तहज्जुद में अहले शाम के हक में हमारे हाथ दस्त बदुआ हो जाए और हमारे हाथ उनके हक में दुआ के लिए उठ जाए। हजरात, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक खानदान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर अमेरिका का एक फौजी मर जाता है या इसराइल का एक फौजी मर जाता है या एक आदमी का कत्ल होता है तो सारी दुनिया वावेरा मचाती है, ये मीडिया वावेरा मचाता है, रोड़ों पर निकल आते हैं इंसानियत का नाम लेने वाले। ये नाम निहात तंजीमें मीडिया के ऊपर बहस करने शुरू कर देते हैं, पेश करते हैं, बहस मुबाहते करते हैं और फिर मुसलमानों का खून बहाने का एक रास्ता तलाश कर लेते हैं। लेकिन ये मुल्क शाम, ये सीरिया, जहां एक नहीं बल्कि पांच छह साल से तकरीबन रोजाना सवों लोगों का खून बहाया जा रहा है, मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, कहां है बच्चों की नाम की तंजीमें, कहां है खवातीन के हकूक दिलाने वाली तंजीमें, कहां है नौजवानों की हिफाजत के नारे लगाने वाली तंजीमें, कहां है इंसानियत के हकूक की हिफाजत करने वाली तंजीमें? क्या उनकी आंखें बंद हो गई हैं या उनके कान बंद हो गए हैं या उनके अंदर इंसानियत मिट चुकी है? क्या उनके अंदर से अभी है, क्या उनके अंदर इंसानियत का नाम और निशान खत्म हो चुका है? क्या शाम में जलने वाला इंसान नहीं, क्या शाम में मरने वाला बच्चा नहीं, क्या शाम में मरने वाली औरत नहीं, क्या शाम में जिस समाज की इज्जत लूटी जा रही है क्या उसको जीने का हक नहीं, क्या उसकी इज्जत इज्जत नहीं है? मेरे भाइयों,
कहीं से एक इसराइल फौजी मर जाता है तो सारी दुनिया वाजिला मचाती है। अमेरिका नाजायज तरीके तलाश करता है, कहीं कहीं किसी 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 ना किसी मुल्क के ऊपर हल्ला बोल देता है। लेकिन यहां देखते ही देखते सबकी आंखें बंद, सबके कान बंद हो चुके हैं, सबकी जुबानें गूंगी हो चुकी हैं, अखबार में मुतहरा खामोश तमाशा ही बन बैठा है। ये सब गैर हैं, ये सब गैर हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो मुस्लिम ममालिक जिनको अपने हथियार पर नाज है, जिनको अपने असलहा पर नाज है, जिनको अपने कुव्वत पर नाज है, वो मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? अभी भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए, क्या अभी भी जी नींद से जागने की उन्हें जरूरत नहीं महसूस नहीं की जा रही है? दुश्मन इस कदर करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं। मुल्के शाम जिसकी एक तरफ मस्जिद अक्सा की फजीलतें हैं, तो ये मौजूदा जो शाम है जिसको सीरिया कहा जाता है। आइए मैं आपके सामने हदीस नबवी अलैहि सलातो सलाम के जरिए इसकी फजीलत बयान करो। हम और आप जानते हैं कियामत के करीब हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम आएंगे दोबारा जमीन के ऊपर। दोबारा जमीन पर कहां आएंगे? दिमश्क की जामिया मस्जिद में आएंगे। दिमश्क की जामिया मस्जिद कहां है? इसी सीरिया, इसी शाम के इलाके में पाई जाती है, जहां हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम तशरीफ लाएंगे, जहां इमाम महदी इमामत करते रहेंगे, जहां से ईमान का फिर से दोबारा बोलबाला होगा। ये फजीलत वाली सरजमीन के ऊपर नंगा नाच किया जा रहा है, खून की नदियां बहाई जा रही है, मुसलमानों का खातिमा किया जा रहा है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा अभी भी ख्वाबे गफलत में पड़ी हुई है, ना उनसे ना वो नींद से बेदार होने के लिए तैयार है और ना ही उसके अंदर ईमानी हरारत पैदा हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मैंने आपके सामने पेश की, जिसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अहमद के अंदर, इब्न हब्बाल, मुस्तदरक हाकिम और मुख्तलिफ किताबें कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं बैनमा नहनु, जबकि इस हाल में हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे और कुरान को मुख्तलिफ कागजात की शक्ल में मुरत्तब कर रहे थे, ऐसे मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से निकलता है तूबा लिश्शाम के शाम के लोगों के लिए खुशखबरी हो, शाम के लोगों के लिए खुशखबरी हो। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं हमने सवाल किया खीला वली मादा का, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बशारत, ये फजीलत, ये मकाम, ये फजीलत, ये अहमियत किस लिए है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी रहमान के फरिश्ते अपने हाथ अपने परों को फैलाए दिए हैं। शाम की सरजमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते, रहमान के फरिश्ते अपने परों को फैलाए दिए हैं। और दूसरी अहादीस के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कियामत के करीब मैदान महशर से पहले हजरे मौत से एक आग निकलेगी और सारे लोग उस आग से डर कर भागने लगेंगे। सहाबा ने पूछा ऐ नबी अलैहिस्सलाम अगर वो जमाना हम पा ले तो आपका हुक्म हमें क्या मिलने वाला है? तो सलातो सलाम ने कहा तुम शाम को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि शाम में ईमान था, ईमान है और ईमान रहेगा। मेरे भाइयों ये शाम की बड़ी फजीलतें हैं, ये शाम की बड़ी फजीलतें हैं। शाम के अंदर भी फिर एक जिसके ऊपर पूरी तरह बमबारी की जा रही है उसका नाम है हलब। और फिर इस सरजमीन के अंदर भी बहुत सारी बड़ी बहुत सारी अहमियत रखने वाली चीजें हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां दिमश्क की जामिया मस्जिद के बारे में कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आएंगे, जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हजरे मौत से जब आग निकलेगी तो तुम शाम को लाजिम पकड़ना, और जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम के बारे में कहा कि जब शाम के अंदर फसाद आ जाएगा तो दुनिया के अंदर खैर बाकी नहीं रहेगा। आज शायद वही जमाना लौट कर आ रहा है जिसकी पेशनगोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जब अहले शाम फसाद के अंदर मुब्तला हो जाएंगे ला खैर फीकुम, तो तुम में से फिर खैर की कोई उम्मीद नहीं रहेगी सिवाय एक जमात के जो हमेशा कियामत के सुबह तक हक पर कायम रहेगी और वो है एक दूसरे की मदद करते हुए रहेगी। इस जमात के अलावा कोई और खैर का काम नहीं बाकी रह जाएगा। लिहाजा आज
हमें और आपको चाहिए कि शाम के अंदर फसाद फैल चुका है, लिहाजा फसाद फैलने के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा था ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना, कि मेरी उम्मत के अंदर हमेशा एक ऐसा ताइफा रहेगा, एक ऐसी जमात रहेगी जो हमेशा हक पर कायम रहेगी और फिर वो मदद करने वाली और मददगार रहेगी। ऐसा मालूम यह होता है कि आप अलैहिस्सलाम की पेशन गोई हो रही है। हजरात, एक जानिब हलब के अंदर, मुल्क शाम के अंदर रोजाना सवो मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, हजारों हजारों खवातीन की इज्जतों का खिलवाड़ किया जा रहा है, हजारों लाखों मुसलमानों को बेघर और बेयार मददगार किया गया है। अगर हुकूमती आदाद शुमार आपके सामने रखा जाए तो शायद लाखों में हो, लेकिन हकीकत में करोड़ों की तादाद में आज शाम का मुसलमान बेघर हो चुका है। शाम के मुसलमानों की करोड़ों की तादाद में मुसलमान आबादियों से दूर होकर जंगलों के अंदर, बयाबानों के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हजारों खवातीन अपनी इज्जतों को बचाने के खातिर अपने आप को समंदरों के हवाले कर दिए। हजारों बीवियां अपने शोहरों से कह रही हैं कि तुम मुझे जिंदा मत छोड़ो, वो दुश्मन के आने से पहले तुम खुद मुझे जिंदा जला दो, मैं जलने के लिए तैयार हूं। हजारों माएं अपने बाप, हजारों माएं अपने शोहरों से कह रही हैं कि मेरे मासूम बच्चों को तो अपने हाथ से खत्म कर दे, इस जालिम के हवाले ना कर दे। हजारों मासूम बच्चे अपने बाप से कह रहे हैं अब्बा जान, इस जालिम के हाथ में आने से पहले तुम्हें मेरा फातिमा कर दो। हजारों बेटियां बाप से कह रही हैं अब्बा जान, मेरी इज्जत नीलाम होने से पहले मुझे जिंदा दरगोर कर दो। हजारों खवातीन ऐसी हैं जो अपनी इज्जत के खातिर, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अपने आप को समंदरों के हवाले कर रही है। हजारों खवातीन, हजारों मासूम नौजवान, हजारों मुसलमान ऐसे हैं के घरों का कोई साया नहीं है, रोजाना बमबारी के जरिए घर गिराए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और उनकी जानों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन जहां लंगा नाच किया जा रहा है, अख्वाम मुत्तहिदा और उम्मत मुस्लिमा खामोश और तमाशाई बन बैठी है। कुर्बान जाए ममलकत सऊदी अरबिया के ऊपर, उसने इन नाजुक से नाजुक तरीन हालात के अंदर अभी दो चार दिन पहले ऐलान किया मुल्क के शाम की मदद के लिए, वहां के मुसलमानों के ताउन के लिए, कि एक दिन में उसने टारगेट बनाया 15 लाख मिलियन रियाल जमा करने का। एक ही दिन के अंदर अरब के मुसलमानों ने अपना ईमानी फरीजा अंजाम देते हुए अहले शाम की मदद के लिए, अहले शाम की मदद के लिए 15 लाख रियाल से ज्यादा रुपए जमा कर, 15 लाख मिलियन रियाल जमा किया। हजरात, ये तमाम चीजें क्या सिर्फ मुल्क शाम तक महदूद हैं, या फिर हमें भी मालूम होना चाहिए? क्या हमें गुजरात भूल चुके हैं हम? क्या मुजफ्फरपुर का फसाद भूल चुके हैं हम? क्या हम मुख्तलिफ फसादात को भूल चुके हैं हम? क्या मुंबई का फसाद हमारे आंखों के सामने नहीं? क्या गुजरात का फसाद हमारे आंखों के सामने नहीं? मेरे भाइयों, मुझे और आपको चाहिए कि गुजरात का फसाद हमारी आंखों के सामने है, जहां सिर्फ चंद हजार का खातिमा किया गया था, लेकिन इसके बिलमुकाबिल शाम का जो फसाद हो रहा है, इराक का जो फसाद हुआ, अफगानिस्तान का जो फसाद हुआ, लबनान का जो फसाद हुआ, और फिर इसके साथ साथ इस वक्त जहां फलस्तीन और शाम के अलावा जिस किसी दूसरे एक और मुल्क के अंदर जो लंगा नाच किया जा रहा है खून का, वो है म्यांमार। म्यांमार जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियो क्लिप्स हमको और आपको रोजाना देखने को मिल रहा है। म्यांमार के मुसलमान जहां अपनी इज्जत बचाने की खातिर, अपने ईमान बचाने के लिए बेचैन और बेताब है, कोई उनका मददगार नहीं सिवाय रब्बुल आलमीन के, कोई उनका हामी नहीं सिवाय रब्बुल आलमीन के। हजारों की तादाद में म्यांमार का भी यही मामला है। कल के अखबार में आप उठाकर देख लीजिए, एक मासूम बच्चे को उसकी मां ने जालिमों से बचाने के लिए समंदर में डाल दिया और मासूम बच्चा समंदर के लहरों में तीरते हुए जमीन के ऊपर आ पड़ा है, जिसकी तस्वीर अखबारों के अंदर आई, सोशल मीडिया के ऊपर आई। सवाल कीजिए अपने जिगर से, अपने दिल से सवाल कीजिए कि इस मासूम बच्चे का जुर्म क्या था? इस मासूम बच्चे का जुर्म यह था कि वो मुसलमान मां के पेट से पैदा हुआ था।
क्या मुसलमान मां के पेट से पैदा होना इस मासूम का जुर्म था जो अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया और जिंदगी से हार मान बैठा। मेरे भाइयों, म्यांमार का भी यही हाल है, जहां की हुकूमत अपने आप को जमहूरियत का नारा तो बुलंद कर रही है, इंसानियत की नस्ल कुछ नहीं करने का ऐलान तो कर रही है, लेकिन मुसलमानों को मजहब के नाम पर इस कदर खून और खराबा लगभग 3 साल से जारी है कि ना मुसलमान सांस ले सक रहा है, ना सुकून का एक निवाला खा सक रहा है, ना उनके लिए खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना रहने के लिए छत है, बल्कि ये मुसलमान म्यांमार के मुसलमान जंगलों के अंदर समंदरों के किनारे बैठे हुए रब की मदद तलब कर रहे हैं, उम्मते मुस्लिमा की मदद तलब कर रहे हैं और उम्मते मुस्लिमा के दुआओं के मुंतजर है कि उठाए कोई हाथ रब के दरबार में दुआ करे, म्यांमार के मुसलमानों के हक में दुआ करे कोई फलस्तीन के मुसलमानों के हक में। मुसलमानों, तुम उस कौम से तुम्हारा ताल्लुक है जिस कौम के अंदर एक आवाज पर वाह मोतसिमा की एक आवाज पर एक खातून इस्लाम ने आवाज लगाई, मोतसिम मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। मोतसिम ने अपने लाहौर लश्कर के साथ उस खातून की मदद के लिए पहुंचा था। मुसलमानों, आज तुम्हें क्या हो चुका है? मैं मानता हूं ये सरहदें, ये मुल्क की सरहदें मुझे और आपको इजाजत नहीं देती कि हम जाकर उनका जिस्मानी तौर पर मुकाबला करें, लेकिन क्या हमारी हुकूमतें, क्या हमारी सरहदें हमें दुआ करने पर भी मजबूर कर रही हैं? ऐसी तो बात नहीं है। मुसलमान की मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने दी। आप अलैहिस्सलाम की हदीस में आता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मतलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم। के मुसलमान की मिसाल ऐसी है आपस में, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला मुसलमान हो, अफगानिस्तान के पहाड़ों में सांस लेने वाला मुसलमान हो, साउथ अफ्रीका के जंगलात में रहने वाला मुसलमान हो, काबतुल्ला के अंदर रहने वाला मुसलमान हो या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला मुसलमान हो, सरजमीन के ऊपर जहां कहीं का भी मुसलमान हो, उन तमाम मुसलमानों की मिसाल आपने दी। कहा मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद है, मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद है। मेरे पैर के उंगली को चोट लगती है, मेरी आंख रोती है, मेरे हाथ के उंगली को मान लगता है, मेरा जिस्म बुखार से निढाल हो जाता है, मेरे जिस्म के अंदर बुखार आती है, पूरा बदन बुखार से निढाल और कमजोर हो जाता है। जिस तरह जिस्म का कोई एक अजू तकलीफ महसूस करता है तो सारा जिस्म तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाता है, मुसलमान का भी मामला यही है। फी तवाद्दुहिम अपनी मोहब्बतों में, वताअतुफिहिम आपस में उल्फत और मोहब्बत के लिए, वतराहमिहिम और आपस में रहमत के लिए, मुसलमानों की मिसाल ये दी गई। लेकिन अफसोस यह है कि आज के मुसलमान इस कदर खुद गर्द बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप और हमें चाहिए कि रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे हालात हम पर नहीं पैदा किया है। हम आजादी के साथ घूम रहे हैं, हम आजादी के साथ इज्जत की रोजी रोटी खा रहे हैं, हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हमें रहने के लिए घर भी है, हमारे मासूम बच्चे हमारे गोदों में पल रहे हैं, हमारी माँ और बहनों की इज्जत भी महफूज है, हमारे नौजवान भी महफूज हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इराक के अंदर मरने वाला बच्चा हमारा है, शाम में मरने वाला बच्चा हमारा है, शाम में जिसकी बेइज्जती की जा रही है वो बहन हमारी है, वो माँ हमारी है? कभी हमने और आपने सोचा? मेरे भाइयों, मुझे और आपको सोचने की जरूरत है, मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। बस मैं कहना यही चाहता हूं कि इन हालात में मुझे और आपको चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते हर नमाज के बाद, हर नफिल के बाद, नमाज तहज्जुद और हर मौके पर इन मजलूम मुसलमानों के हक में कम से कम दुआ करना चाहिए, कम से कम दुआ करना चाहिए। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दा अर्रजुल लियाखीही फी ज़हर الغيب قال الملك ولك مثل ذلك। दुआ करने से फायदा खुद हमारे अपने लिए भी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, जब कोई मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के गियाब में दुआ करता है, फलस्तीन के मुसलमान यहां नहीं, म्यांमार के मुसलमान यहां नहीं,
शाम के मुसलमान यहां नहीं है। अगर हम यहां बैठकर दुआ करते हैं तो रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्ते कहेंगे कि जो चीज तुम उनके हक में दुआ मांगे हैं, दुआ में जो चीज उनके हक में मांगे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए भी वही करेगा। अगर आज हम उनकी मदद के लिए, अगर आज हम उनके हक में दुआ करते हैं तो रब्बुल आलमीन कल हमारी मदद फरमाएगा, कल हमारे हक में वो लोग दुआ फरमाएंगे। मेरे भाइयों, खुलासे कलाम यही है कि सरजमीन जिसका ताल्लुक कुरान से, हदीस से, बड़े फजाइल इसके वारिद हुए हैं और भी बहुत सारे अहादीस हैं हमारे सामने, लेकिन मुख्तसर यही है कि मुझे और आपको चाहिए कि हम और आप मुसलमानों के हक में दुआ करें, मुसलमानों के हक में दुआ करें। मेरे भाइयों, क्या आपने और हमने अभी चंद माह, अभी महीना, डेढ़ महीना पहले अखबारात के जरिए उस चीज को नहीं देखा जिस चीज को देखने से पहले काश हमारा हम फौत हो जाते, कितना बेहतर होता। दुश्मन कभी इराक पर, कभी अफगानिस्तान पर, मुख्तलिफ ममालिक पर हमला करते करते इसके नाजायज कब्जे, नाजायज हाथ, इसके नाजायज हमले मस्जिद हराम के ऊपर भी हुए, हरमैन शरीफैन के ऊपर भी हुए। तहफ्फुज़े हरमैन की हिफाजत, हरमैन की हिफाजत दुनिया के हर मुसलमान की, दुनिया के हर मुसलमान के जिम्मे है। हरमैन के ऊपर हमला करना गोया इस बात का इशारा दे रहा है दुश्मन कि अब कहां कभी मुसलमान महफूज नहीं रहेगा। क्या वो दिन देखना चाहते हैं हम और आप कि यहां भी उसी तरह का हल्ला बोला जाए? नहीं, हम ऐसा दिन देखना नहीं चाहेंगे। फिर अगर हमें और आपको ऐसा दिन देखना नहीं है तो उठो, दुआओं के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करो, अपनी जिम्मेदारी का, अपने मकाम का, अपनी हैसियत का मर्तबा जान जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ वतनहौना अनिल मुनकर। उम्मत मुस्लिमा की पैदाइश का मकसद तामुरूना बिलमारूफ है, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। अगर इस फर्ज मनसबी को अदा नहीं करोगे तो तुम्हारा वही हशर होगा जो म्यांमार में हो रहा है, तुम्हारे साथ वही सुलूक होगा जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है, तुम्हारे साथ वही सुलूक किया जाएगा जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में बसने वाले मुसलमान के साथ हुआ, हमारे साथ वही मामला होगा जो मौजूदा शाम में हो रहा है। अगर हम चाहते ही हैं कि शाम की जैसी हालत हमारे ऊपर आए, फलस्तीन जैसी हालत हमारे ऊपर आए, म्यांमार जैसा सुलूक हमारे पास आए, तो हम सोते रहें। अगर हम चाहते ये है कि ऐसे हालात ना आए तो उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। अगर जागे हैं तो पूरी तरह बेदार होने की जरूरत है, पूरी तरह बेदार हो चुके हैं, बैठे हैं तो खड़े होने की जरूरत है, खड़े हैं तो चलने की जरूरत है, चल रहे हैं तो जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। जिम्मेदारी यही कि इस्लाम का तारुफ हमारे बिरादरान वतन के सामने कराए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम इस बात की दावत देता है कि अगर हम और आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास। इन लोगों के सारे, लोगों के जानिब से होने वाली सारी मुसीबतों का मुकाबला अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में करेगा। यानी जब हम दावत का काम अंजाम देंगे तो दाई और दावत के मैदान में आने वाले मुसीबतों से बचाने का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिम्मे लिया है। अगर हम और आप अपने इस फर्जे को, फर्जे मंसबी को अदा करते हैं तो इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। और तारीख इस बात की गवाही देती है कि जब जब मुसलमानों ने अपने फर्ज मनसबी को भुला बैठा, ये तारीख लौटाए, ये तारीख अपने आप को दोहराइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वो इंतवल्लो इस्तब्दिल खौमन गैरकुम थुम्मा ला यकुनु अम्थालकुम। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करोगे, जिम्मेदारी को अदा करने से रुगर्दानी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खत्म करेगा और दूसरी कौम को लाएगा। शायद आज हमें जो मंजर मालूम हो रहा है, आलमी मंजर इस बात की दावत फिक्र दे रहा है कि आलमी मंजर हमें जागने पर मुतवज्जे कर रहा है कि हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खत्म फरमाए और दूसरी कौम को लेकर आए जो फिर काबे के रखवाले बन जाएंगे और इस दावत के जिम्मेदार बन जाएंगे और इस फर्ज मनसबी को अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल भी यही है, इन अल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि जब तक तुम अपने आप की हालत बदलने के लिए तैयार नहीं होगे अल्लाह भी हालत नहीं बदलेगा। मुझे और आपको इन्हीं बातों पर खुतबे जुमा को खत्म करता हूं, बस यही है, यही कहता हूं, मैं जुल्मत सब में लेके निकलूंगा,
मैं जुल्मते सब में लेके निकलूंगा अपने दरमान द कारवां को, मैं जुल्मते सब में लेके निकलूंगा अपने दरमान द कारवां को। शरर फशा होगी आह मेरी, शरर फशा होगी आह मेरी, नस मेरा शोला बार होगा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे कंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे कंदजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा। तुझे अग्यार पर गलबा ना हासिल हो ये क्या माना, तुझे अग्यार पर गलबा ना हासिल हो ये क्या माना, जरा माजी का अपने हाल में उन्वान पैदा कर, हमारे असलाफ के कारनामों को सिर्फ याद ही नहीं करना है बल्कि उन कारनामों को अपनाना है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, इलाहल आलमीन मुझे और आपको ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह मासूम फलस्तीनियों के ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह शाम के मुसलमानों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह शाम के खवातीन पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह जहां तेरी बंदियों की इज्जत लूटी जा रही है ऐ अल्लाह उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह वहां के नौजवानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह शाम के जालिम मुजाबिर बादशाहत को खत्म फरमा, ऐ अल्लाह जालिम बशार का खत्म खातिमा फरमा, ऐ अल्लाह उसके ऊपर हमारी लानतों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मासूम नौजवानों का खून बहाया जा रहा है ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू उनका हामी बन जा, ऐ अल्लाह तू उनका नासिर बन जा, ऐ अल्लाह तू उनका मददगार बन जा, ऐ अल्लाह मासूम बच्चों को सताया जा रहा है ऐ अल्लाह उनका खून बहाया जा रहा है ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, ऐ अल्लाह वहां के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह शाम की बड़ी फजीलत तूने बयान की है, ऐ अल्लाह शाम की बड़ी फजीलत तेरे नबी ने बयान की है, ऐ अल्लाह हमें अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ हमारे मकामात तेरे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह शाम के हक में दुआ करने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा, ऐ अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उनके खून की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह वहां के नौजवानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह वहां की औरतों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह वहां के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मेहमान का मुसलमान परेशान है अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा, अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर फरमा, अल्लाह वो जीने पर मजबूर है, अल्लाह खाने के लिए वो भूखा है, अल्लाह वो पानी का प्यासा है, अल्लाह उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अल्लाह म्यांमार के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह गैबी मदद फरमा, अल्लाह उनका गैबी मदद फरमा, अल्लाह तो उनका हामी बन जा, अल्लाह जालिमों का अल्लाह जालिमों का जुल्म खत्म फरमा दे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहमत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहमत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर रहम और करम फरमा, अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह हम मुसलमाना ने हिंदुस्तान पर रहम फरमा, अल्लाह हिंदुस्तान के जो हालात बदल रहे हैं अल्लाह हालात के अंदर अमन और सलामती पैदा फरमा, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को खत्म फरमा दे, अल्लाह शर फसाद को खत्म फरमा, अल्लाह हिंदुस्तान के सरजमीन को अमन सलामती वाली सरजमीन बना दे, अल्लाह यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह यहाँ के मसाजिद की हिफाजत फरमा, अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा, अल्लाह दावती इदारों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे दाइयों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे अखलाक की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मक्के मुकर्रमा की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मुमलकत सऊदी अरबिया की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को नेक तौफीक अता फरमाइए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहादुरी शुजात और कुव्वत अता फरमाइए, अल्लाह उसको भुला हुआ सबक याद करने की तौफीक अता फरमाइए, अल्लाह तौहीद का बोलबाला अता फरमाइए, अल्लाह शिर्क का खातिमा अता फरमाइए, अल्लाह बिदात को खत्म फरमाइए, अल्लाह हम तमाम को ईमान कुव्वत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे मज़लूम मुसलमानों के हक में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, اللهم شتت شملهم ودبر ديارهم وفرق جمعهم اللهم انزل به باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اے اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائیے اے اللہ مسجد اقصا کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے
अल्लाह हम में जो मखरूज हैं अल्लाह उनके कर्जों की अदायगी के खैर से मदद फरमाइए। अल्लाह हमारे बेरोजगारों को हलाल रोजी रोटी अता फरमाइए। अल्लाह जो बीमार हैं उनके में बीमारियों को दूर फरमाइए। अल्लाह हमें सेहत व आफियत अता फरमाइए। अल्लाह हमारे खिदमात को कबूल फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम मिल आयात व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवाबु मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुल हकीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أنزل به بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أنزل به بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم ودبر ديارهم اللهم مزق جمعهم وفرق بينهم اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب اللهم احزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم امين يا رب العالمين اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب اللهم احزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر على عدوك وعدوهم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين اللهم اغزلهم من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين ورحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته